सर, हमारे फोर्ब्स एजू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही मतलब संजीदा विषय है, जो कि छात्रों के अंदर हम लोग या न्यूज़पेपर में हम लोग आए दिन ये चीज़ें पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि छात्र जो हैं या विद्यार्थी जो हैं उनकी खबरें जो हैं सुसाइड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो क्या ये जो सारी समस्याएँ दिन प्रतिदिन हम लोग खबरों में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं सुनते हैं, तो क्या आपको इसके कारण क्या लगते हैं कि ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? थैंक यू वेरी मच जी। जितना संजीदा और जिम्मेदारी भरा विषय आपने रखा है जी, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मेरा संदेश उन सभी व्यक्ति और विद्यार्थियों तक पहुँचे जिन तक ये पहुँचना चाहिए। और मैं माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि मेरे शब्दों में, हमारे शब्दों में इतना औज भरे कि हमारा संदेश हर उस व्यक्ति और विद्यार्थी तक जाए जिसने अपने जीवन में कभी इस मनहूस शब्द को सोचा भी हो। मैं प्रयत्न की तो बात ही नहीं करता जी, जी। हमें अपना दृष्टिकोण बहुत ही सार्थक और पॉजिटिव रखना है जीवन में। बिल्कुल, मैं प्रयत्न की बात नहीं करता जिसने अपने जीवन में, अपने दिमाग में आत्महत्या जैसा शब्द सोचा भी है। मैं कोशिश करूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारा संदेश उन सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाए और वो विचार, उस सदा सदा के लिए आत्महत्या जैसा विचार उनके मन से गायब हो जाए। तो सर, ये जो हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं या आप लोग, तो इन सब सारी समस्याओं से रोज़ आप लोगों का आमना सामना होता होगा, तो आपको ऐसा क्या लगता है वो कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से ये सारी जो प्रवृत्ति है बच्चों के अंदर आ जाती है? विषय चर्चा में क्यों है? सबसे पहले हम इस बात को जानें। बिल्कुल सर, जाहिर है आपने न्यूज़पेपर की बात की तो पीछे कोटा और अन्य शहरों में भी कुछ सुसाइड केसेस हमें आए दिन, हम लोग बहुत ही दुखद घटनाएं हमें सुनने को मिली, इसीलिए चर्चा में आया। बिल्कुल, कि कोटा में लगातार हमने इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती हुई सुनी, और ये टेंडेंसी इवन वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया पर्सनल हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर संदेश दिए हैं बच्चों को कि क्यों ऐसा चर्चाएँ की हैं। और आपने भी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये विषय रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ ए बोल्ड स्टेप ऑन योर पार्ट। यस सर, कि आपने इसको आगे बढ़कर, इसको बहादुरी से एड्रेस करने के लिए सोचा कि हम क्यों ना इस पे बात करें, क्यों ऐसा बच्चा तो सोचता? सर, उसमें एक जो मुख्य कारण हमें लगते हैं कि क्या कोई पारिवारिक दबाव महसूस करते हैं क्या वो बच्चे, इस तरह के केसेस जब आप लोग देखते हैं तो उस पर क्या है? यस यस, आपने शुरुआत में ही सही नब्ज़ पकड़ी है जी। जो जब आपने मुझसे कहा कि मैं इस विषय पर बोलना है जी, चर्चा करनी है जी, तभी से मैं यही सोच रहा था कि इसका रूट कॉज, जो मेजर रूट कॉज है, देखो ये जो एक ऐसी टेंडेंसी है कि इसमें वैसे तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि जिसकी वजह से आदमी इतना हताश और इतना स्ट्रेस फील करता है, कि जो भी आदमी स्ट्रेस में है, जो भी स्ट्रेस में है वो इतना हताश हो सकता है कि वो इस तरह की गलत आत्महत्या जैसा मतलब कृत्य करने की सोच भी सके। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की जी। तो विद्यार्थियों में आपने बिल्कुल सही कहा कि परिवार में कई बार हम न चाहते हुए भी अपने ही बेटे को, अपने ही बेटी को इतना स्ट्रेस दे देते हैं अनजाने में कि वो इसको सहन नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे सुसाइडल स्पोर्ट्स पे जहाँ सुसाइड कर रखा होता जी, है बिल्कुल, जब मैं जाता हूँ और माँ बाप को उस सिचुएशन में रोते हुए देखता हूँ, तो वो कहें या ना कहें लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक गिल्ट होता है कि एक बार हमारा बेटा या बेटी एक बार वापस आ जाए, एक बार वापस आके हमसे शेयर करे कि
इतनी भी क्या बड़ी बात थी, हमने तो यही तो कहा था कि इस एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, या ये एग्ज़ाम पड़ोसी के बच्चे ने तो क्लियर कर लिया, या ये एग्ज़ाम आपको आपके जीवन के एकदम अंतिम छोर तक लेके जाएगा, वहाँ तक लेके जाएगा, हम तो उसको मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेट कर रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया? लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को जो अभी सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, और ये तो नहीं चाह रहे हैं कि जो हम ना कर सके हमारा बेटा करे, तो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम बच्चों से करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है जी। अनरियलिस्टिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने अपने बच्चों की, सबसे पहले अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देखनी है, बिल्कुल, उसका टेस्ट देखना है, उसका इंटरेस्ट देखना है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो उसका उसके जो हाइट है वो 5 feet है या 5'4" है या 5'6" है, बिल्कुल, और हम बोलते हैं कि आप बास्केटबॉल खेलिए, उसमें अच्छा प्लेयर बनिए, या आप लॉन्ग जंप कीजिए, तो कोच को आपके, आप कोच के पास जाएंगे, बिल्कुल, तो वो यही बोलेगा कि इस बच्चे के लिए ये गेम नहीं, दूसरी चीज़ें हैं, दूसरा गेम में ये बहुत अच्छा कर पाएगा। बिल्कुल। बच्चा अपना, अपने दोस्तों को देख के, अपने किसी रिश्तेदार को देख के, अपने बड़े भाई को देख के, या किसी आर्टिकल में पढ़ के, या अपने किसी सीनियर, स्कूल के सीनियर को, या अपने किसी टीचर के लेक्चर से इम्प्रेस होके वो अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेता है, तो भी पेरेंट्स को उसको समझाना है, और समझाने में बहुत ही एहतियात ये रखनी होती है कि बच्चे को ये ना लगे कि ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं और ये मुझे ये बोल रहे हैं कि तुझसे ना हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसे ये ना लगे कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें गार्जियंस को ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों का जो अपरिपक्व जो मन और मस्तिष्क होता है ना जी, वो इतना सेंस, देखिए मैं ये सब क्यों बात बोल पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बोल सकता हूँ क्योंकि न्यूमरस सुसाइड नोट्स मैंने पढ़े हैं, न्यूमरस सुसाइड प्लेस ऑफ अकरेंस पे मैंने विजिट किया है, मैंने विक्टिम फैमिली के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, मैंने आफ्टर द इंसिडेंट्स जो वो फेस करते हैं और जो रिपेंट करते हैं, मैंने उसको बहुत नज़दीक से महसूस किया है, देखा है। तो मैं उस बेस पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने खुद तो करना ही नहीं, बिल्कुल, ऐसा एग्जांपल सेट अपने बच्चे के लिए जो रियलिस्टिक ना हो, तो अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देखकर उसको वो टारगेट दो, और उस टारगेट में भी आप उसे ऑप्शन तो दो, भगवान ने भी हमें कितने ऑप्शंस दिए हैं। सही बात है, आप इंडिया में रहते हैं, आप पहाड़ पे रह सकते हैं, आप रेगिस्तान में रह सकते हैं, आपका मन है तो प्लेन में रहे, हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर ही देखिए दो दो किडनियां दी हैं ऊपर वाले ने, दो किडनी दी है, कि अगर एक खराब हो लेकिन दूसरे से आप चलो। तो आप तो अपने हाँ। बच्चे को एक टारगेट देते हैं ना, आपने नीट क्लियर करना है, या आपने तो IIT में जाना है, या आपने तो PMT ही क्लियर करना है, या आपने UPSC करना है, SSC ही करना है, तो इतना स्ट्रिक्ट ना रहें अपने बच्चों के लिए, इतना स्ट्रिक्ट ना बने, और अनरियलिस्टिक गोल, उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उससे ना करें, पहले उसका टेस्ट जाने, उसका इंटरेस्ट जाने, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी काबिलियत जाने, और फिर उसको एक टारगेट दें, उस टारगेट में हमेशा आप सेकंड प्लान भी रखें, एक अपना दूसरी प्लान भी रखें कि अगर कोई बात नहीं ये नहीं हो पाएगा तो हम ये कर लेंगे, तो बच्चा सर्टेनली बहुत अपना 100% देता है। तो सर इसी में आगे अगर जैसे हम ये बोलें कि जब एक बच्चा अपने सेफ जोन से निकलता है, सेफ जोन का मतलब कि वो परिवार के बीच में है, कोई भी बातें हैं तो उसे खाने पीने से ले करके सभी सुविधाएं उसको अपने सेफ जोन में मिलती हैं, वो वहां से निकल के जब किसी बड़े शहर में या बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, तो वहां पे उसे क्या ऐसा लगता है कि वो अकेलापन महसूस करता है, या कौन से ऐसे कारण हैं कि जिससे वो अपने आप को बिल्कुल ही, क्योंकि यंग बच्चों के बीच में तो और फ्रिक्वेंट होना चाहिए जी जी जी, लेकिन वो फ्रिक्वेंट ना होकर के वो अपने आप को एकदम अकेलापन महसूस कर लेता है। यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स कि बच्चा स्ट्रेस में जाता है। कई बार देखा गया है कि छोटे गांव से, टाउन से बच्चे आते हैं, बिल्कुल सर, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में आते हैं, या किसी बड़े ऐसे शहर में जहाँ
एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकल के वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एंटर करता है। बिल्कुल। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में क्यों बोलता हूँ कि घर में बच्चा बड़ा पैम्पर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, उसके सारे नखरे नाज नखरे उसकी माँ उठाती है। बिल्कुल। उसके बचपन के दोस्त होते हैं जो उसके फेस को देख के समझ जाते हैं कि आज ये उदास है, उदास है। और वो पूछ लेते हैं कि क्यों आज बोल नहीं रहा है। तो इस तरह की जो इमोशनल उसको जो ट्रीटमेंट मिलती है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, वो सब वैनिश हो जाती है जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखता है कि एक रैट रेस लगी हुई है कि सपोज हमने अपने बच्चे को नीट के लिए भेजा तैयारी के लिए, सर्टेनली जो वो क्लास अटेंड करेगा उसमें सभी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। सही बात। अब उसको लगेगा कि मैं ऐसे संसार में आ गया हूँ, ऐसे समाज में आ गया हूँ कि वहाँ हर आदमी नीट में क्लियर होने की बात सोचता है, बात उसी विचारों में सोता है, उसी विचारों में उठता है और वैसी ही बातें करता है, नीट नीट नीट। उसको जो वो इमोशनल टच था जो वो अपने फ्रेंड्स का, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तूने आज योगा किया या मॉर्निंग वॉक पे गया या नहीं गया, या कुछ खेला नहीं खेला, कोई पूछने वाला नहीं होता उसका। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि वो जो एनवायरनमेंट छोड़ के आता है उससे बहुत उसका मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है और डिप्रेसिव बड़ा एनवायरनमेंट महसूस करते हैं कई बच्चे। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स भी कई बार अनजाने में क्या करते हैं कि जब भी फ़ोन पे बात करते हैं, सर्टेनली वो वीडियो कॉल पे या कॉल पे पेरेंट्स से कांटेक्ट करता है तो फ़ोन करते ही कि हाँ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। अब उसको ये लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ कि वहाँ से केवल एक ही रास्ता है निकलने का कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अदरवाइज पेरेंट्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर प्रिपरेशन, योर टीचर इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर प्रिपरेशन, योर कुलीग आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन। तो वो एक अजीब से संसार में फील करता है कि मैं एंटर कर गया हूँ। और उसमें दो तरह के बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं यानी कि जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, वो क्योंकि पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और वो पढ़ाई में ठीक कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो इस स्ट्रेस को कॉप अप कर जाते हैं। लेकिन जो बच्चा गांव के परिवेश से आया, थोड़ा सा मीडियोकर है और उसको अभी चीज़ें सीखनी पड़ रही थी, सीखनी है, वो बड़ा डिप्रेस कई बार फील करता। तो जब वो बच्चा क्या एकांत में आने के कारण, वो कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा है क्या कि वो दवाइयों का सेवन या गलत संगत की सेव की उसमें आने की वजह से वो ये सारी चीज़ें सोच बैठता है कि मेरे गार्जियन क्या कहेंगे, जिस शहर से आया हूँ वहाँ का तो इन्वायरमेंट अलग है। जैसे अगर गाँव का बच्चा है तो उसको ये लगता है कि भाई जैसे स्मोक करना, कोई सुपारी खाना, ये सब गलत है, बट यहाँ आया उसको इस तरीके की लत लग गई, तो क्या ये सब भी कारण बनते हैं उनके लिए? सर्टेनली ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो या तो उनका ध्यान नहीं जाता क्योंकि उनकी एनर्जी और उनके इमोशंस जो हैं वो अच्छी तरह से एड्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो एकांत में आता है, लोनलीनेस फील करता है, जब वो एक एकांत महसूस करता है, तो कुछ बच्चों की संगत से या कुछ इंटरनेट से वो कुछ गलत आदतों में भी पड़ जाता है और वो छोटे मोटे ड्रग्स या स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है और उससे भी उसकी पढ़ाई पे भी असर पड़ता है और उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ओके। तो ये भी देखा गया है कि इससे भी बच्चों को बचना चाहिए। ठीक है सर। तो जैसे एक आपसे पर्सनल सवाल रहेगा कि जैसे आप खुद गार्जियन हैं और अभी हम गार्जियन और बच्चों के ही आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब आप खुद अपने बच्चों के साथ किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं या फिर अपने बच्चों को एक स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपके हिसाब से या आपके एक्सपीरियंस से आपने अपनी सोसाइटी में वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी बुलिंग करने में आगे कर देते हैं? बच्चे का एग्ज़ाम के लिए मैं एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर चला गया, UPSC है या SSC है, कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके एग्ज़ाम सेंटर पर आप बाहर हैं और पेरेंट्स से आप बात कर रहे हैं,
तो वो एक ऐसा मेला लगा महसूस रहता है होता कि है, एक मेला हाँ महसूस होता है। और पेरेंट्स से अगर बात करोगे तो आप ये महसूस करोगे कि ये हमें ये फील करा रहे हैं कि आपने तो गलत डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, आपने आपने तो ये टीचर एग्ज़ाम नहीं, जो आपने एग्ज़ाम दिया वो छोड़ के आपने तो ये एग्ज़ाम देना था, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनली एक्सपर्टीज बन के लोगों को और सजेस्ट कर रहे हैं। इतना इन्वॉल्व होके लोगों को सजेस्ट करते हैं, उसने इतने परसेंट मार्क्स लिए, लास्ट ईयर ये गया था, लास्ट ईयर वो गया था, उससे लास्ट ईयर ये गया था। अपने सीरियस नोट पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो एक कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, बच्चों के और बीच में वो माहौल आप सोच सकते हैं कि जब वो आपको कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं कि भाई आपने तो फील्ड ही गलत चुन लिया, जो ये पेरेंट्स जो जिसमें एक्सपर्टीज है इनकी हो चुकी है, बिल्कुल जो बिल्कुल अपना पैशन है उसको जो एक्सप्रेस कर एक्सप्रेस रहे कर हैं, रहे उसको हैं। बहुत एहतियात से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस अपने बच्चे के इमोशंस पे इतना इतना प्रेशर न डाल दें कि मेरे पेरेंट्स तो जिंदा ही मुझे केवल ये एग्ज़ाम कराने के लिए ही हैं। कराने के लिए हैं और एग्ज़ाम में क्लियर होते हुए देखने के लिए जिंदा हैं सही, केवल, ये आप मैसेज प्लीज़ अपने ये बच्चों को ना ना दें, दें, अपने नहीं देना बच्चों को ना चाहिए, दें। नहीं देना चाहिए। तो सर, जो कॉम्पिटिटिव माहौल आज के टाइम पे जो इंडिया का है, इसमें क्या जो कॉम्पिटिटिव जगह हैं, जैसे दिल्ली हो गई, कोटा हो गया, या जो भी इस तरीके के शहर हैं, वहाँ पे क्या इन सभी जगहों पे एक स्पोर्ट्स का भी माहौल क्रिएट करना चाहिए, जिससे ये जो बच्चे हैं वो जब अपनी खेल कूद की दुनिया में भी रहें, तो उससे इन बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे सकें, सिर्फ जी पढ़ाई और अपने फूड पे नहीं। देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे तो जैसा हम पढ़ते हैं और देख भी रहे हैं कि हर स्कूल में एक प्लेग्राउंड होता है, बिल्कुल उसमें कितना शाम को या सुबह भीड़ होती है वो आपको मालूम है। प्लेग्राउंड बड़ा सा रहेगा, उसकी लॉन की मेंटेनेंस भी गार्डनर अच्छे से करेगा, लेकिन उसमें बच्चे कितने खेलते हैं वो आपको और हमें सबको पता है। बिल्कुल सर। स्कूल टाइम में अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत हो गई है, वो आदत में शुमार हो गया, वो आपकी मसल मेमोरी में आ गई है कि हमें सुबह उठ के जैसे एक्सरसाइज ब्रश करनी है, करना होता है, जैसे फ्रेश बिल्कुल होना है, जैसे जैसे बाथ लेना है, वैसे एक्सरसाइज भी करनी है, अगर वो चीज़ आपकी दिनचर्या में आ गई तो बहुत अच्छा। आपका सजेशन है कि भी बच्चों को हमें एक्सरसाइज के साथ पंक्चुअलिटी से जोड़ना चाहिए बिल्कुल और आदत में शुमार करना बिल्कुल चाहिए। सर बिल्कुल। तो सर, ये जो इतनी भी एस्पेक्ट पे हमने बात करी है, तो ये तो वो सारी चीज़ें हो गई कि जिससे कि बच्चे को अपने गार्जियंस, स्कूल या सारी चीज़ें जो है वो बचा करके रखें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। लेकिन अगर हम इसकी मेन सोल्यूशन की बात करें, कि ये देखें कि इसकी जो मेन स्ट्रीम है उसके सोल्यूशन में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये बच्चा जो है वो अगर अपने माँ बाप से, अपने सेफ जोन से बाहर भी निकलता है, तो वो कभी भी डिप्रेस महसूस ना करे। अगर कोई बच्चा बार बार सुसाइड के तरीके इंटरनेट पे खोज रहा है और उसके देखो फ्रेंड्स जितने नज़दीक हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या तैयारी करने के लिए, जब हम दूसरे परिवेश में जाते हैं तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि अपने नए नए दोस्त बनाते हैं, तो उन दोस्तों को सबसे पहले मालूम पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों में कुछ छुपा हुआ नहीं होता, नहीं होता तो दोस्तों में सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि ये नेट पे क्या सर्च कर रहा है। सच का। तो उसकी जो सर्च हिस्ट्री है उसकी, उसमें अगर सुइसाइड वर्ड भी आपको दिख जाए या कोई भी ऐसी बिल्कुल वो साइट को देख रहा है, तो कभी भी आप एक तो हेजिटेट ना करें और उसको लाइटली ना लें, उसके पेरेंट्स को बताएं, टीचर्स को बताएं। हमें मालूम नहीं है कि हाँ कितने सही बात है। बच्चे अगर कुछ सोच रहे होंगे तो ये प्रोग्राम सुन के वो दोबारा से उसको सेकंड थॉट डालें, बिल्कुल, कितने पेरेंट्स ये प्रोग्राम सुन के अपने बच्चों पे अगर प्रेशर डाल रहे होंगे तो वो ना डालें। इनएडवर्टेंटली या अननोइंगली या बिल्कुल, ना चाहते हुए, तो वो दोबारा से इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। सोच के अगर गलती ना करें और उनका बच्चा वो अटेम्प्ट करता करता और बिल्कुल नहीं करेगा तो वो कभी हम काउंट नहीं कर काउंट नहीं कर सकते। तो सकते। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हम जो अगर सब्जेक्ट से हट के कोई बात करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, आज तक तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। बच्चों को यानी कि बचपन से और जब तक वो 17 और 18 18 के ना हो जाए। टीन जब तक लगता है उनके 19 तक, हम बच्चों को बोलते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ जी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, गीले फर्श पे वो अगर चला गया
गीले फर्श पे नहीं जाते, इधर आ जाइए। वो कोई फायर है, फायर के नज़दीक जा रहा है तो वहाँ नहीं जाना, इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ जा रहा है, कोई रोड ट्रैफिक है उसके पास जा रहा है, कोई गलत ढंग से किसी चीज़ को पकड़ रहा है, भारी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है, या शार्प चीज़ से खेल रहा है, या किसी टॉय को गलत ढंग से ऑपरेट कर रहा है, या ऐसी कोई प्रीशियस चीज़ है जिसको वो क्यूरियोसिटी से देखना चाह रहा है, तो व्हाट वी से, नो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। जब तक बच्चा ये नहीं जानता कि ये हम एक्ट जो मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं ये क्यों ना करें, हम रीज़न क्या है, बिना रीज़न बताए अगर आप बच्चे को ना 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 वो भी 2000 बातों के लिए कर देंगे, तो उसका एक हम बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जाने अनजाने 19 साल तक हम उस बच्चे को वो प्रिपरेशन दे रहे हैं कि वो बच्चा अंदर अंदर ये सोचता रहता है कि मुझे एक बार 18 और 19 साल का हो जाने दो, यानी कि जब वो फिजिकली बड़ा हो जाता है और वो तो एक अंदर उसके एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि जो जो चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने मना की थी ये इस एज के बात कर लूँगा मैं, अब वही ट्राई करके देखूँगा। मना करने के दो तरीके हैं, एक तो जो आप करते हैं डिक्टेशन की, भाई डिक्टेट करना कि भाई ये आपने काम नहीं करना, और दूसरा तरीका है कि आपने प्रोज एंड कॉन्स उनको उसका बता देने हैं कि बेटे अगर बच्चे अगर गीले उस पे फर्श पे जाओगे तो आप गिर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वो गिर जाएगा, तो आप रिस्क देखिए आपकी कि एक तरफ क्या रिस्क है कि वो आप उसको दिमाग को आप ऐसा एक ट्रीटमेंट दे रहे हो कि उसको स्टबन बना रहे हो कि आने वाले टाइम में वो टीनेजर हो के ये कहेगा कि जो मेरे को काम के लिए रोका था मैंने वही करना है, अगर तेज़ ड्राइविंग के लिए रोका ड्राइविंग करना है, तो आप उसको केवल ये गाइड कीजिए कि अगर ऐसा करोगे तो ये हमारे को नुकसान हो जाता है, तो हो सकता है कि वो एक दो बार गिरे, हो सकता है कि वो फायर से एक दो बार उसके थोड़ा मोटा उसको फायर जो है हीट उसको टच हो जाए, उसको आयरन टच हो जाए, उसका कुछ हो जाए, लेकिन धूप में चला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो धूप में चला जाएगा तो उसके पैर जल जाएंगे, थोड़ा सा वो इरिटेट होगा बिल्कुल, लेकिन उससे उसको सीखने को मिल जाएगी, उसको दो चीज़ सीखने को मिलेगी, नंबर एक धूप में जाने से हीट लग जाती है, नंगे पाँव जाने से तो चप्पल पहन के जानी चाहिए, नंबर दो जो वो बैक ऑफ द माइंड सीख रहा है कि मेरे पापा या मम्मी जो बात बोलते हैं वो सही होती है, उनको साथ इन्वॉल्व करके और उनको ऐसा लगे कि ये डिसीजन उनका है, बच्चों का है, पेरेंट थोपा नहीं जा रहा, आप प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे उनसे डिस्कस करेंगे, रीजनिंग देंगे और फिर आप बोलेंगे कि क्यों कौन सा डिसीजन अच्छा है कि नंगे पाँव जाना या शूज़ पहन के जाना, तो वो खुद बोलेगा कि नहीं वी शुड वेयर द शूज़, जब हम धूप में जा रहे हैं तो हमें जूते पहनने चाहिए, तो उसको लगेगा बच्चे को कि ये मेरा डिसीजन है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जूते पहन के जा रहा हूँ, और अगर हम हमेशा उसको ये बोलते रहे कि नंगे पाँव नहीं जाना नंगे पाँव नहीं, तो एक बार वो ट्राई करेगा, अब मैं ये धूप का तो आपको लगेगा कि ठीक है ट्राई कर लेगा तो वो बाद में समझ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ड्रग्स हैं या अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, ये है, तो इसमें भी हम बिल्कुल उसको स्टबन बना, इसको डिक्टेट ना करें और बच्चे को इन्वॉल्व रखें और इन्वॉल्व करके उसको प्रोज एंड कॉन्स करके समझाएं। इसी तरह एग्ज़ाम के बारे में है कि कोई भी एग्ज़ाम है, हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बेस उस तरह सा नहीं है, बिल्कुल मान लो कोई एक सब्जेक्ट उसका बड़ा वीक है, तो उसको ये बोलने की बजाय कि ये आपका सब्जेक्ट वीक है, ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होगा, ये बोलने की बजाय आप उसका जो स्ट्रेंथ है, देखो एक आदमी में कुछ वीकनेस होती है कुछ स्ट्रेंथ भी होती है, तो जो वीक पॉइंट्स है उसके, उस वीक पॉइंट को आप एक्सप्लेन बाद में करें, पहले उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करें। देखो क्या कर सकता तीन चार सब्जेक्ट आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है, तो उसमें कुछ उसके सब्जेक्ट अच्छे होंगे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश उसका वीक है, और फॉर एग्जांपल उसका मैथमेटिक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले उसको मैथमेटिक्स में की स्ट्रेंथ बता के, और मैथमेटिक्स जिसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मेरिट्स बता के, फिर आप इंग्लिश जिसमें कम आती है वो आप एग्ज़ाम उसको सजेस्ट करेंगे, तो उसको लगेगा कि ये मेरा यानी हम दोनों का मिलके और लास्ट मेरा डिसीजन है कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा प्रायोरिटी से और ये नहीं दूंगा। और प्रायोरिटी बच्चे को खुद सेट करने दें, बस थोड़ा थोड़ा आप उसको गाइडेंस देते रहें और डिक्टेशन से बचें, मेरा जो बोलने का मतलब है कि डिक्टेशन से बचें,
खासकर टीनेजर्स को डिक्टेट ना करें कि आपको ये करना ही है, या फिर उसको टॉन्ट ना करें। देखिए सबसे जो स्ट्रेस देता है बच्चों को वो दो ही चीज़ देती है, इमोशनल अत्याचार और स्ट्रेस। इमोशनल अत्याचार क्या है कि जैसा मैंने बोला कि कई पेरेंट्स ये शो करते हैं कि उनका जीवन, वो क्या बोलेंगे कि हमारे तो ये फैसिलिटी नहीं थी, हम बचपन में थे तो हम तो लाइट नहीं थी, हमारे जो है सिलेबस स्टडी मटेरियल नहीं होता था, हमारे कोचिंग सेंटर नहीं होते थे, हमारे टीचर्स इतना जानते नहीं थे कि हमारे को गाइड कर सके, हमारे को गाइडेंस, तुम्हें तो सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास हम गाड़ी में छोड़ के आते हैं, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, तो तुम्हें तो करना ही है। वो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज चला जाता है, वो ना चाहते हुए ये मैसेज बच्चे को दे देते हैं कि उनके पेरेंट्स का जन्म ही, यानी कि उसके पूरा जीवन ही उसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये बच्चा बस ये एग्ज़ाम क्लियर करे, उस दिन के लिए हम जिंदा हैं। बिल्कुल। तो वो कितना इमोशनली उसको स्ट्रेस देगा, जो बच्चा खासकर जो सिंसियर बच्चा है जो स्ट्रेस देगा। और वो मैंने कब महसूस किया कि जब मैं जो यंगस्टर्स जो सुसाइड करते हैं, जब मैं उनके घरों पे जब हम गए, जब वो उस कंडीशन में होता है और वो बहुत ऐसा एक दृश्य होता है कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जो पेरेंट्स रिपेंट कर रहे होते हैं, और वो बस जैसा मैंने शुरू में बोला कि उनके मन में ना बोलते हुए उनके फेस पे लिखा होता है कि एक बार बच्चा हमारा वापस आ जाए फिर हम उसको पढ़ने के लिए, तो क्या हम किताब के पास जाने के लिए भी नहीं बोलेंगे, उसकी लाइफ उसको उसी के अनुसार सेट जीने देंगे, लेकिन वो समय वापस तो आ नहीं सकता। तो मैं सारे ऐसे पेरेंट्स को टीचर्स को मैं ये बोलूँगा कि कभी भी बच्चों में इस तरह का इरेशनल एक्सपेक्टेशंस ना दें, उसको टारगेट ना दें। तो सर इसमें एक अगर आपको एक बढ़िया मैसेज जो बच्चों को देना हो कि जिससे ये जो स्टिग्मा पाल लेते हैं बच्चे, या फिर जो इस डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, कि वो किस, अगर वो कभी सोचें भी, तो आपकी वो कौन सी बातें हैं जिसको सुन करके वो वापस से अपने काम पर जाना शुरू कर दें, अपनी पढ़ाई पे जाना शुरू कर दें, तो उसको किस तरीके से आप बताएंगे इसे? देखिए अगर आप मैसेज मुझसे चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट मैं चाहूँगा कि जो मुझे सुने तो बच्चा यही समझे कि मैं केवल उसी से, केवल इंडिविजुअल उससे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि आपको क्या स्ट्रेस है पढ़ाई का, पढ़ाई में एक एग्ज़ाम का, छोटे से एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम की अहमियत क्या है वो आप समझिए। सपोज़ आपने कोई एग्ज़ाम, एक टारगेट रख रखा है कि ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको क्या एक लाइवलीहुड का जरिया, माध्यम जरिया मिलेगा? बिल्कुल। आपको एक नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद लाइफ में और क्या क्या है? आप पेरेंट्स की सेवा करने के लिए, आप पेरेंट्स को घुमाना चाहते हैं, आप खुद देश विदेश में घूमना चाहते हैं, आपकी मन में आपकी हॉबीज़ हैं वो पूरा करना चाहते हैं, किसी को घूमने का शौक़ है तो किसी को गाड़ियों का शौक़ है, गाड़ी ड्राइव करने का, किसी को बाइक चलाने का शौक़ है, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है, किसी को शॉपिंग का शौक़ है, किसी को स्पोर्ट्स में जाने का शौक है, किसी को कोई पर्टिकुलर एक क्लब ज्वाइन करने का शौक है, किसी को पार्टीज़ करने का शौक है, मैं दे रहा। सो वो एक केवल आपका लाइवलीहुड है, बाकी का जीवन आपका बिल्कुल अलग है। और लाइवलीहुड केवल एक तरीके से नहीं है। सपोज़ आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सपोज़ सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के मैथमेटिक्स में 10th में 11th में कम नंबर आए, वो स्कूल से आता है, घर पे आता है, सपोज़ विराट कोहली है, घर आया और उनके मदर फादर और या उसके दादा दादी जो भी उनके घर पे हैं वो बोलते हैं कि अरे इतने कम नंबर, कपिल शर्मा का आपको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, विराट कोहली का कोई एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, कौन विराट कोहली किस शहर में रहता है, क्या एड्रेस है, वो अपने नाम की एक पहचान इतनी बना चुके हैं, तो वो सारे क्या ये पढ़ाई से अपनी उन्होंने नाम बनाया है, उसका पढ़ाई, उसका एजुकेशन है, पढ़ाई एक लाइफ का एक पार्ट है, एक पार्ट बिल्कुल, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट नो डाउट, बट दैट इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, 100 में से हम एक पार्ट पढ़ाई को देंगे, 99 चीज़ें और आपके पास, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आँख खोल के थोड़ा सा देखें, आपकी कॉलोनी में मिल जाएंगे, आपको नए नए रेस्टोरेंट मिल जाएंगे,
तो उनके मालिक ने उसको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करके तो रेस्टोरेंट नहीं खोला। बिल्कुल, आपको नई नई फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, आपको नई शॉप मिल जाएगी, आपको नए नए डिज़ाइनर कपड़े मिल जाएंगे, बनाते हुए लोग मिल जाएंगे, नई नई पेंटिंग बनाते हुए मिल जाएंगे लोग, और बहुत हैंडसम अमाउंट कमा रहा है, और उसने कोई डिग्री नहीं ले रखी है। तो आप अपने लाइफ को इतना लिमिटेड ना करें कि केवल एक वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के को आप लाइफ समझ लें। बिल्कुल, हमेशा आप बैकअप प्लान रखें। अगर आप आपके पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते हैं बैकअप प्लान, तो आप मन में रखें और आप उनको जानें कि भाई कपिल शर्मा की मम्मी जो अभी शो में बैठी रहती हैं, अगर वो उनको डांट के बोलती कि आज से इधर उधर तुमने प्रोग्राम जाना, थिएटर जाना बंद, और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के अलावा तुम कुछ नहीं करोगे, तो आप कपिल शर्मा का शो देख रहे होते? विराट कोहली की के पेरेंट्स अगर उसको बोलते कि पढ़ाई के अलावा अगर तुमने बल्ले के हाथ लगा दिया तो तुम्हारी बस देख लेना, तो क्या आप इतने अच्छे प्लेयर का गेम देख रहे होते? क्रिकेट में आज हम इतने अच्छे प्लेयर का, एक अच्छे अच्छे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, क्या वो एग्ज़ाम क्लियर करके उन्होंने थिएटर में अपना नाम कमाया? तो देर आर सो मैनी फील्ड्स, और फेलियर चीज़ों को सिखाती हैं। लाइफ फेल हुए, लाइफ इतनी सुंदर है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुइसाइड या आत्महत्या जैसा शब्द सोचना भी कायरता है। ये कायर सोचते हैं, कावर्ड सोचते हैं, बहादुर लोग आत्महत्या जैसा शब्द सोचते भी नहीं, उनके लिए ये बना ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये शब्द हार का शब्द है, जीत का शब्द नहीं है। आपने फेल्योर से भी जीतना है। आप बोलते हैं कि मैं एग्ज़ाम में हार गया, हमने कई सुसाइड नोट्स पढ़े कि मैं इसमें फेल हो गया या हो गई, सो आई क्विट। अरे फेल्योर से लड़ना है आपको, लड़ाई जीतना है। फेल्योर से लड़ने का मतलब है कि आपने एक फेल्योर को इग्नोर करके दूसरे की तैयारी शुरू कर दी, अपनी पहली वाली से बैकअप प्लान की, बैकअप प्लान की तैयारी शुरू कर दी और बहादुरी से लड़के उसको जीता है, जीता है आपने। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स को कोई कावर्ड के पेरेंट्स बोले? क्या आप चाहेंगे कि आपको कावर्ड कायर कहा जाए, समाज ये बोले कि वो छोटे से एग्ज़ाम की असफलता से लड़ नहीं पाया? बिल्कुल। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथी जो वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं वो पूरा जीवन दुखी रहें? आपके पेरेंट्स क्या, मैंने जो सुसाइड के बाद जो एक माहौल होता है घर में, बिल्कुल सर, मैं वो बतलाना मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा उसको इमेजिन भी कर ले, अगर कोई किसी के मन में भी ये बात आ रही है, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपसे जो आपका जो सबसे प्यारा जो फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा प्रेम आप अपनी मदर से चाहे करते हैं, सबसे नज़दीक जिससे महसूस करते हैं, आप उसका एक बार ध्यान कीजिए कि जब आप उसको बताएंगे कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अपना दूसरा कोई प्लान करूँगा, तो वो आपसे इतना अटैच्ड है कि वो तुरंत आपकी दूसरी प्लान में आपके साथ साथ होगा। और जिन लोगों से डर के कि लोग क्या सोचेंगे, जिन लोगों से डर से आप इतना स्ट्रेस पाल रहे हैं कि सुसाइड जैसे शब्द को मन में ला रहे हैं, वो लोग तो अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो भी उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसमें भी वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि अरे सुसाइड की क्या ज़रूरत थी, या इनके पेरेंट्स ने प्रेशर डाला होगा। उन्होंने बोलने से, क्रिटिसिज्म से नहीं रुकना है, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो किससे आप डर के या किसके कंसर्न्स, किसके सारे स्टेप किसके कंसर्न से आप जो है इतना वरीड होके और इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो कि अपने आप को सेल्फ का मर्डर कर रहे हो, सेल्फ को मार रहे हो? तो ये मोरली गलत है, ये लीगली गलत है, और ये कायरता है। हमें बहादुरी से लड़ना है, और किससे लड़ना है? असफलताओं से लड़ना है। असफलता ये नहीं है कि एग्ज़ाम की ही मैं फेल्योर की बात कर रहा हूँ, हम लाइफ में डेली असफलताओं से लड़ते हैं, फेल्योर से लड़ते हैं। सपोज़ मैं सुबह तैयार हुआ कि मैं टाइम से अपने ऑफिस पहुँचूँगा, और उसके लिए मैंने ये सोचा कि आज तो मुझे टाइम से पहुँचना ही है, लेकिन देर आर रीजन्स, कोई ट्रैफिक मिल गया, या मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या गाड़ी के कोई पंक्चर हो गया, या देर आर रीजन्स कि मैं नहीं पहुंच सकता, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फेल्योर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो वर्ल्ड ट्रेड टावर न्यूयॉर्क में जो गिरी थी यूएस में, बिल्कुल,
उस दिन जिस दिन वो टावर पे अटैक हुआ और वो डिमोलिश हो गई और बहुत से लोग ने जान गंवा जान दी, गंवा दी अपनी। उस दिन काफ़ी लोग अपने ऑफिस से लेट हुए थे। और जब वो लेट हुए और उन्होंने देखा कि क्यों लेट हुए, उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू लिए रिपोर्टर्स ने उनके, तो रिपोर्टर्स के इंटरव्यू तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोच रहे थे जब लेट हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को छोड़ के वापस आया, वापस आके अपनी गाड़ी देखी, गाड़ी में देखा पंक्चर हुआ था, तो मैंने देखा आज का दिन ही खराब है। उन्होंने क्या डिसीजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि आज का दिन ही उनका खराब है, लेकिन वो कितना अच्छा और दिन था कितना खराब या कितना अच्छा था वो ये आधे किसी ने घंटे बाद जब बात मालूम उन्होंने पड़ा न्यूज़ देखा कि ओह जिस ऑफिस में अगर हम आधा घंटा पहुंच जाते पहले, टाइम पे। टाइम पे पहुंच जाते तो आज हम जिंदा नहीं रहते। तो अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े कपिल शर्मा, बड़े बड़े पेंटर, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, अगर वो ये सोच, उन्होंने ज़रूर सोचा होगा जब उनके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, उन्होंने भी आपकी तरह सोचा होगा कि अरे बस मेरा कुछ तो भी हो किस्मत जाए। ही अच्छी नहीं है और मेरा तो जो है पढ़ाई जो इतना अच्छे इसका मार्क्स इसका नहीं आए। सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं सर चंद्रयान का, कि पूरे बिल्कुल हिंदुस्तान बिल्कुल, ने आप पूरा जश्न मनाया। चंद्रयान 2 में आपको याद ही होगा, बिल्कुल सर। चंद्रयान 2 में हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, तो दैट साइंटिस्ट वाज वेरी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड लेकिन उसने लड़ाई लड़ी और उसने ये कहा कि नहीं मेरा काम आगे चलेगा। बिल्कुल। और ये जो एफर्ट्स हैं, ये बहादुर लोग एफर्ट्स करते हैं। जो आपने संदेश की बात की, मेरे बच्चों को ये संदेश है कि आप बहादुर हैं। इंडिया का बच्चा कायर नहीं हो सकता, जो इंडियन सिटीजन है, हमारे देश का बच्चा, और मैं तो कहूँगा किसी भी वर्ल्ड का बच्चा कायर क्यों पैदा हो, हम बहादुर पैदा हुए हैं और हम बहादुरी से लड़ेंगे। असफलताओं से, चाहे फेल्योर हो, असफलता हो, ये सब टेम्परेरी होती है, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी होती है। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक चैलेंज देती है और उस चैलेंज को स्वीकार एक्सेप्ट करो, करना उसको पड़ेगा। एक्सेप्ट करो कि यस ओके अभी आप में फेल हो गया, तो दूसरी आप स्विच ओवर करना सीखें। ज़रूरी नहीं है, क्या आपको लगता है कि तेंदुलकर ने कभी 99 पे कितनी बार वो आउट हो जाते सही थे बात है। और आउट हो गए, उन दिनों लोग कहने नाइनटी लगे थे नाइनटी नर्वस तेंदुल 90 नर्वस नर्वस का के नाम नाम से दे दिया उनको गया था, उनको दे दिया गया, उसी और से वो निकले। आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं लोग, अच्छे से अच्छे एक्टर की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल और वो डिप्रेशन में डिप्रेशन जाने में के चले बजाय, गए। अगर अगर डिप्रेशन में चले गए तो उनका करियर बर्बाद हो गया, बिल्कुल और अगर डिप्रेशन में नहीं गए, बहादुरी से लड़ते रहे, तो आज जो है कि देखो वो देओल की जो अपना सनी देओल की हाँ फिल्म जो है वापस हिट से हो हिट रही हो है, गई। बिल्कुल वापस हिट हो गई है, तो बिल्कुल ये जो जो बहादुरी से लड़ेगा वो सक्सेस मिलेगा पाएगा। उसे। और कभी भी नेगेटिव बातें बिल्कुल सोचनी नहीं है। और ये जो छोटे मोटे एग्ज़ाम का फेल्योर, एग्ज़ाम का सक्सेस, ये बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके पेरेंट्स भी अगर ज़्यादा वरीड हैं तो उनको अपने दोस्त की तरह समझाओ, अब आप बड़े हो चुके हो, और दोस्त की तरह समझाओ, नहीं मम्मी वो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको आप हौसला दो कि कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, मैं अगली बार प्लान दूंगा, या मैं दूसरा प्लान है मेरा, मैं वो एग्ज़ाम दूंगा, ये एग्ज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल शौक है, मैं ये काम इससे कर काम सकता हूँ, मैं करूंगा। ये सीख सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल तो जो हमने एग्जाम्पल दिए, तो देर आर न्यूमरस स्कोप ऑफ लाइवलीहुड, और सिर्फ एक लाइवलीहुड में आप स्टडी करके और एक एग्ज़ाम क्लियर करके मैं लाइवलीहुड में ये नौकरी करूँगा, दैट इज़ नॉट द फेयर आइडिया। यही मेरा एक मैसेज है। बिल्कुल सर। और पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि मैं आपको बताऊं कि कुछ पेरेंट्स, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहता है जनरल पब्लिक से, जी। तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन कुछ मैं बताता हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हमारी वीडियो देखने के बाद भी, वीडियो बंद हुई, ख़त्म हुई, फिर और वो अपने बेटे के कमरे में गए, अरे पढ़ ले, पड़ोसी के बच्चे के इतने मार्क, अगेन दे विल स्टार्ट। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि कभी आप क्यों वो ऐसा करते हैं मालूम है, कि जब महाभारत काल में यक्ष ने जी युधिष्ठिर से पूछा कि बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन फिर भी
अपनी मृत्यु के बारे में गंभीरता से कभी नहीं सोचते। इसी प्रकार मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो ये वीडियो सुन के, ऐसी बातें सुन के, ऐसे संदेश सुन के भी ये सोचते हैं कि ये संदेश किसी और के लिए है, हमारा बच्चा तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही करेगा और उसको तो करना ही चाहिए। तो उन पेरेंट्स के लिए मैं बताता हूँ कि युधिष्ठिर की ये बात याद रखें कि कोई भी इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, बच्चे भी और पेरेंट्स भी दोनों के लिए। कि एक फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है राजेश खन्ना जी की, आनंद फिल्म जी, मैं शायर कुछ इस तरीके का डायलॉग या, अमिताभ बच्चन हाँ। जी उसमें डॉक्टर बने हैं और आनंद बाबू मोशाय उनको बोलते हाँ। हैं। वो जरूर देखिए, जिंदगी का आपका नजरिया बदल जाएगा। जिंदगी को बहादुरी से कैसे होनी चाहिए, बहादुरी से कैसे लड़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखें उस फिल्म को। और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आपने आपको फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आपने अपने कीमती समय में से ये समय हमारे लिए दिया और उन बच्चों को संदेश दिया, जो बच्चे सबसे पहले अपने आप को तकलीफ देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको सबसे पहले खुद को हर्ट करेंगी फिर किसी और को। तो उस तकलीफ से आप बाहर निकलें, आप अपने किसी दोस्त से, अपने परिवार से ज़्यादा गार्जियन आपको डांट सकता है, ठीक है, लेकिन आप वो तकलीफें परमानेंट अपने गार्जियंस को, अपने सोसाइटी को, अपने दोस्तों के ऊपर थोप करके ना जाएं। और ये सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा लांछन ये आपके सिर पे खुद आएगा कि आप अपनी हार से कुछ ना सीख करके उन सारी चीज़ों में उलझ करके दुनिया छोड़ गए। तो उम्मीद करते हैं कि सर ने जितनी भी बातें बताई वो गार्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हों या बच्चों के लिए हों, आप इन सारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और उसके बाद से अपने बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर दिशा की ओर अपने निकलेंगे और तो बहादुरी से संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, बहादुरी से संघर्ष बनना है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो संघर्ष होना चाहिए वो भी बहादुरी का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहें अपना और इन सबको देखें।